नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले 12 साल से जेल में कैद मऊ से बसपा विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को गिरोहबंद कानून में रिमांड आदेश जारी करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राहत दी है। कोर्ट ने MPMLA विशेष अदालत प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह जेल अधीक्षक से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश पारित करे। इस मामले में याचिका कहना है कि गिरोहबंद कानून में अधिकतम सजा 10 साल की कैद है, वह इससे अधिक समय से जेल में बंद है। तय सजा जेल में बिताने के बाद गिरोहबंद कानून में नजरबंदी अवैध है, स्वतंत्र होने का अधिकार है। यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने वर्चुअल बहस की। इनका कहना है कि 2007 में उसके खिलाफ जेल में रहने के बावजूद गिरोहबंद कानून के तहत गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में FIR दर्ज कराई गई है। विशेष अदालत वाराणसी ने 22 जुलाई 2009 को रिमांड स्वीकृत की। वह 22 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद है। अब प्रयागराज की विशेष अदालत में केस चल रहा है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।